हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम आए हैं स्वयं प्रगटेव हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर है सिद्धनाथ महादेव मंदिर से करीबन 3.5 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। और उस मंदिर की और इस मंदिर की कहानी जुड़ी हुई है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। चले करते हैं दर्शन। आप देख सकते हो पूरा गाँव का माहौल है और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और ये है मंदिर, करेंगे चलिए दर्शन। ऊपर चल के थोड़ा ऐसा चढ़ाई का रास्ता है, जो थोड़ी सी छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। ये हनुमान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है और ये युगों पुरानी मूर्ति है भगवान जी की, तो मैं आपको पूरा इतिहास आगे बता दूंगी। चले करेंगे दर्शन। और ये आप देख सकते हो ऊंचाई पे ये मंदिर है। यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और भगवान जी के करते हैं दर्शन। जैसे कि आप देख रहे हो रामचंद्र भगवान जी, सीता माता और लक्ष्मण जी हैं, उनके साथ में ही यहाँ पर विराजमान है हनुमान जी। चलिए मैं आपको मंदिर का कुछ इतिहास बता देती हूँ। तापी पुराण में सिद्धेश्वर तीर्थ का उल्लेखन हुआ है। त्रेता युग में जब रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण सहित तापी तट के किनारों पर जगह जगह पर पूजन और यज्ञ किया था, उसी समय की बात है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इतिहास, तो आप वो भी चाहो तो वो पढ़ लेना। तब उस समय सिद्धेश्वर महादेव का भी पूजन उन्होंने किया था। जब रामचंद्र जी सिद्धनाथ धाम पहुँचे थे, तब उनसे मिलने के लिए गोकर्ण मुनि आए थे और रामचंद्र जी ने गोकर्ण मुनि को दान देने की इच्छा व्यक्त की। तब गोकर्ण मुनि ने बताया कि मैंने इच्छाओं का त्याग कर दिया है और मैं किसी से के पास से भी दान कुछ नहीं लेता हूँ। तब गोकर्ण मुनि ने कहा कि अगर आप दान देना ही चाहते हो तो गंगा नदी के किनारे पर योग्य ब्राह्मण हैं, उनको आप बुलाकर यहाँ यज्ञ करवा के दान दे सकते हो। तो गंगा किनारे से ब्राह्मणों को लाने का कार्य हनुमान जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता था। सिद्धनाथ धाम के पीछे ऊंचाई पर टीले के ऊपर हनुमान जी बैठे थे। तब रामचंद्र जी ने उनकी तरफ देखा और हनुमान जी उनकी मन की बात समझ गए और उन्होंने आज्ञा का पालन करते हुए उसी ऊंचे टीले से कूद के सन भर में गंगा तट पहुंच गए और फिर वहां ब्राह्मणों से बात की। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हम गंगा स्नान के बिगर कोई भी यज्ञ कार्य नहीं करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि मेरे स्वामी रामचंद्र जी वहां पर गंगा को प्रकट कर देंगे और फिर आप वहां पर स्नान कर सकोगे। इस तरह ब्राह्मणों को मनाया और 18,000 ब्राह्मणों के साथ कुछ ही समय में सिद्धनाथ धाम पहुंच चुके थे। ये वो जगह है जहां पर बाण मार के रामचंद्र जी ने गंगा को प्रकट किया था और ब्राह्मणों ने यहां पर स्नान किया था। और मैंने इससे पहले सिद्धनाथ महादेव मंदिर का वीडियो भी डाला है, तो अगर आपने वो वीडियो पूरा नहीं देखा हो तो आप वो जाके जरूर से देख लेना। सारा यज्ञ होने के बाद में रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। तब से हनुमान जी यहाँ वास करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो आपको सामने तालाब दिख रहे हैं, वहां पर सब नमक बनता है, तो नमक बनाने की जगह है यहाँ पर। और ये जो तालाब एंड हो रहे हैं उसके पीछे की साइड में समुंदर है, पूरा पीछे की साइड में, जैसे वो बादल वगैरह दिख रहे हैं ना पूरे, तो डाक वहाँ पे ही बीच है वगैरह दिख रहे हैं ना, इसको मिंजर बोलते हैं। रायते में भी गिरते हैं सूखने के बाद में, काफ़ी टेस्टी लगता है रायता। नीम की निम्बोली है ये जो छोटे छोटे दिखते हैं ना, ये खाए जाते हैं, काफ़ी मीठे होते हैं पीले होने के बाद। ये आप देख सकते हो सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की है। आप रास्ता देख सकते हो, थोड़ा सा छोटा रास्ता है इधर से, मेन रोड तो सही है, थोड़ी सी दूर के लिए छोटा रास्ता आता है और फिर ये मंदिर आप देख सकते हो। मुझे तो मंदिर के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप सूरत में रहते हो या फिर आसपास में कहीं रहते हो तो आकर यहाँ पर दर्शन जरूर करिए भगवान जी के। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।